हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल मैंने एक ट्राइंगल की एनालिसिस की थी सीबीएसई सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग कि एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कौन से आ जाएंगे। ठीक है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी देख सकते हो। आज हम ट्राइंगल की डिस्कस करेंगे क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में लिखा था ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एनालिसिस कर दीजिए, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं आएंगे, तो वो सब डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ आप एक बार वीडियो जरूर चेक करना ट्राइंगल वाला, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियरिटी आएगी क्योंकि वो चैप्टर काफी लोग परेशान भी कर रहे हैं। तो सिमिलर ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम आज दूर कर दूंगा, कौन से क्वेश्चंस करने कौन से नहीं करने, एनसीईआरटी से भी बात करें और क्या चीज कंपलसरी वो भी आपको पता चली जाएगी। ये चैप्टर थोड़ा सा टेस्टेड फॉर्म में दे रखा है, जरा बात करते हैं। पहले स्टैंडर्ड की बात करेंगे, बाद में बेसिक के भी क्वेश्चन हैं, तो जो बच्चे बेसिक वाले हैं वो स्टैंडर्ड को भी देख लें और स्टैंडर्ड वाले बेसिक को भी देख लें क्वेश्चन किस तरीके से आए थे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उसके आ नहीं सकते, तो ऐसा नहीं सोचना है, हर चीज को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, एक क्वेश्चन 7 नंबर पे आया था सैंपल पेपर में, वो लिखा था 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू बीटा। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक होता ना बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन एज इट इज नहीं है। हालांकि टफ नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा टफ है आसान, लेकिन एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड की बात करूं तो लिखा है इफ एंगल, ट्राइंगल के जो एंगल है वो इस रेशियो में दे रखे हैं और कुछ फाइंड आउट करना, तो ऐसा भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं टफ नहीं है लेकिन डायरेक्ट नहीं है बस, ठीक है। यहां पे बात करूं तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं है। और इसके बाद हम बेसिक पे आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल एज इट इज मतलब उठाकर ले लिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यार ऐसे केस में क्या किया जाए, ये थोड़ा सा डाउट में आ जाता है क्योंकि यार क्वेश्चंस तो करने, अब ऐसा भी नहीं कि टफ है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, लेवल आपको बता दूं कि भाई कौन सा क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, कौन सा थोड़ा फंस सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी है तो मैं इसको इजी में बोलूंगा, ये थोड़ा एवरेज में बोल दूंगा, ठीक है। ये भी एवरेज क्वेश्चन बन जाएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि हाँ इसमें आपको काफी कुछ सोचना पड़ेगा, तो ये आपके लिए टफ हो सकता है और ये एक इजी क्वेश्चन में डाल सकता हूँ। इस तरीके से मैंने कैटेगराइज कर दिया। अब चलो थोड़ा बेसिक की भी बात कर लेते हैं। बेसिक की बात करें, अब ऐसा इसमें भी एनसीईआरटी में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लेकिन आसान है, इजी, ठीक है। और इसमें भी एनसीईआरटी से नहीं है, देखो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से नहीं है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से नहीं है, ये चलो एनसीईआरटी है बेसिक में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं है लेकिन आसान है, इजी बोलूंगा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं, ऐसे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे वो हो सकता है इस क्वेश्चन में फंस जाएं, ये तो कर ले जाएंगे बेसिक वाले, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हो सकता फंस जाए, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में थोड़ा सा दे रखा है, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, एक और आपको दिक्कत थी कि सर क्या हमारी पेपर में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये डाउट क्लियर कर लो, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी जो दो आइडेंटिटी होती है वो भी आ सकती है, जो हमारी आइडेंटिटी है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी है, ये जो आइडेंटिटी है ये भी आपको करनी है। ये कैसे पता लग रहा है, इस वाले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो पता लग जाएगा कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉसिक होता है वन अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन, सेक होता है वन अपॉन कॉस, तो कॉस को इसके नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है, स्क्वायर, तो साइन से साइन कट गया, वन अपॉन कॉस होता है सेक थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा। कहीं ना कहीं कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है वन। मैंने आपको पहले भी बोला था, देखो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको जो बताया था वो बिल्कुल देखो एडजेटेज निकल जाता, आपको याद हो जब मैंने सैंपल पेपर से पहले वीडियो आप देखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात मैंने की मैंने क्या बोला, वो बच्चे कमेंट करते थे सर सैंपल पेपर में सिलेबस में लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या सिर्फ उसी से क्वेश्चन आएगा। मैं बोलता था नहीं, ठीक है उन्होंने लिख दिया अच्छी बात है, लेकिन आप सारी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करोगे। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से क्वेश्चन आएगा, तो
तो क्लियर हो गया आई होप कि भैया क्वेश्चन किसी भी आइडेंटिटी से आ सकता है। और एक चीज क्लियर हो गई आपको, और आई होप ये चीज बहुत अच्छा लगा होगा आपको सुन के, चलो मुझे क्लियर हो गया कि हाँ सारी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको किस चैप्टर पे इस टाइप की एनालिसिस चाहिए, जितना ज्यादा आपका कमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा कल, ठीक है। आप लोग बताना, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एनालिसिस की है, ट्राइंगल की ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, आपको और किस चैप्टर की इस टाइप की एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, पेपर जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड की बात करें इजी है, देखो ये आसान है, ये एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज है, ये थोड़ा टफ मान सकता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन आएगा सर हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो वो तो मैं बता दूंगा, रामबाड़ इलाज वो तो हो जाएगा। देखिए उससे पहले मैं थोड़ा एनसीईआरटी को डिस्कस करना चाहूंगा, एनसीईआरटी हमारी ये एनसीईआरटी में क्या क्या करना है, तो नो डाउट फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी करनी है आपको एनसीईआरटी से, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल हमारे जरूरी है, तो बेसिक के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, छोड़ने की बात करें छोड़ना ही है बिल्कुल, तो 8.1 पूरा करना है बस। आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कौन सा गया ये वाला 6 वाला, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये छोड़ सकते हैं आप 6 क्वेश्चन, ठीक है, बाकी आप सारे कर लेना। अगर हम सेकेंड एक्सरसाइज की बात करें तो वैसी बहुत छोटी एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज की बात करें तो वैसी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, टेबल पे बेस्ड है, मतलब वैल्यू पुट करनी होती है, तो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप देख पा रहे हो, ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। 8.3 ऑलरेडी कोर्स में नहीं है, 8.3 जो है वो कोर्स में नहीं है, अगर मैं बात करूँ 8.3 की, तो ये एक्सरसाइज तो कोर्स में ही नहीं है, तो इसको तो पूरा डिलीट कर दो। लेकिन बच्चों को मेन दिक्कत किस में आती है कि 8.4 में क्या करें, 8.4 में क्या करें, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। 8.4 को अगर देखें, ये हमारी 8.4 है, तो 8.4 में देखो, एक तो थर्ड क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये बाकी इधर सब करने, ये सारी आइडेंटिटीज। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी, हर एक आइडेंटिटी से क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट है। जो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी चॉइसेस है कि जैसे ये तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, इनको कर लेना। एक ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है, सॉरी ये नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, और ये लेंथी भी होता है, ठीक है, ये लेंथी भी होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, इस टाइप के क्वेश्चन मत करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं ये बोलूंगा कि यार ये टाइप का ये क्वेश्चन है, ये आ सकता है, क्योंकि मान लो आपको पेपर में दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ दिस, बताओ किसके इक्वल है, ऑप्शन दे दिया, तो ये क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको जनरेट किया जा सकता है। यानी कि आप ये समझो, बहुत बड़े क्वेश्चन जो हैं वो आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि फिफ्थ टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, ये मेन मुद्दा अब आ जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ रामबाड़ इलाज, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, अब एक चीज समझ लो, जो बच्चे बेसिक के हैं सोचते हैं सर हम बेसिक वाले हैं तो एनसीईआरटी कर लेंगे, आपने देखा ना बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इसका मतलब चाहे बेसिक वाला बच्चा हो चाहे आपका स्टैंडर्ड वाला बच्चा हो, ठीक है, दोनों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एनसीईआरटी कितना भी पढ़ लो सर, एनसीईआरटी का 2 बार रिवीजन कर लो तब भी बेकार ही है तुम्हारे लिए, तो एनसीईआरटी करनी है, सबसे पहले एनसीईआरटी ही करनी है, स्टिक रहो, एनसीईआरटी करनी है। उसके बाद जो मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे मार्क्स बूस्टर दिया है, क्या दिया है, मार्क्स बूस्टर जरूर करो, बिल्कुल जरूर करो, जरूर करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूर करें। मैं बता रहा हूँ जो मार्क्स बूस्टर कहाँ गया, जो ये एक मिनट, ये जो स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आया ना, ये वाला जिन बच्चों ने अगर मार्क्स बूस्टर करा है वो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, सही से मार्क्स बूस्टर करा है तो, सही से मार्क्स बूस्टर किया है तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, है मार्क्स बूस्टर में। अब आप इससे समझ सकते हो, मार्क्स बूस्टर भी मैंने सैंपल पेपर के बाद नहीं दिया है, सैंपल पेपर के पहले दिया है, और मैं बोलता आया हूँ क्वेश्चन मार्क्स बूस्टर से बाहर नहीं जाता, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये जो टफ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपसे, वो भी क्वेश्चन आप अगर मार्क्स बूस्टर कर लोगे तो हो जाएगा, ये जान लो। जो बच्चे नए हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारे मार्क्स बूस्टर अवेलेबल हैं, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मार्क्स बूस्टर आप सबसे पहले करें, इससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन निकल जाएगा, आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। और फिर अच्छा एक चीज और बता दूं, अब मार्क्स बूस्टर में एक चीज देखो, ये हमारा जो चैनल है, ठीक है,
अब मान लो आपके स्कूल के पेपर आते हैं, अब आपके स्कूल के पेपर आ गए, आपको रिवीजन करना है, वन शॉट वीडियोस मैंने बना रखे आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया, देखो यहाँ पे आराम से रिवीजन हो जाएगा, एमसीक्यू कर लीजिए, सैंपल पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया, यहाँ से सॉल्यूशन देख लो, फॉर्मूला मैंने बना दिया आपके लिए, ट्राइंगल के भी फॉर्मूले बना दिए, ये है तुम्हारा क्लास 10 मार्क्स बूस्टर एनालिसिस। इसमें मैंने क्या करा है, अब होता क्या है कि मार्क्स बूस्टर आपने डाउनलोड कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कुछ क्वेश्चन काम के नहीं है, तो मैंने इसमें टिक भी करवा दिया कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, ठीक है, ऐसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मैंने टिक करवा दिया सारी चीजें, तो ये सारी चीजें अगर मैंने करवाई है तो इनका यूज करिए आप, इनका यूज करिए। अच्छा, आई होप सबको सारी बात समझ में आ गई, कंक्लूजन ये कि ट्रिग्नोमेट्री का पहले एनसीईआरटी करना है, मार्क्स बूस्टर कंपलसरी, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, ये चीज तो समझ में आपको आ गई। अब नेक्स्ट बात है कि एक मैंने आपके लिए सीक्रेट फोल्डर बनाया हुआ है, सीक्रेट फोल्डर, ठीक है, सीक्रेट फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें आपको कुछ इस तरीके से सारी चीजें दिखती है, जैसे ये ड्राइव है, सारे फॉर्मूले आपको एक साथ मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, सारे मार्क्स बूस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप लोग जाके ये फोल्डर भी ले सकते हो, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे आज मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, नो डाउट, फोड़ोगे तभी फुल नंबर कैसे आएंगे, फोड़ना कब है, जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो सब लोग लिख देना वी विल डू मार्क्स बूस्टर, सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना वी विल डू मार्क्स बूस्टर फॉर ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप ऐसा कमेंट करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा तहे दिल से कि आपने पूरा वीडियो देखा है और चीजों को बारीकी से समझा है, और उससे मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, तो आप लोग सब लोग लिख देना, ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।